स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म सिंह सैनी यो कहीं सैनन ने दो सैनी पैदा करे थे क्या? ये सबके ठेकेदार हैं क्या? मैं डॉक्टर नरेश सैनी उमरपुर से सैनी है। हाँ नरेश सैनी, अगर धर्म सिंह सैनी या स्वामी प्रसाद मौर्य मारी कोई खबर लेन नहीं आते, जब इनका बिकने का नंबर आवे दूसरी का भाग जा टिकट की वजह से, भाई सुख शांति है देश में। वो बचोक रहे थे मारे जी तो पूछ के देखो, सन 2013 में हम कोठों पे बैठ बैठ के हमने रात कट्टी, कभी कोई हमें मार ना जा, फिर वही स्थिति पैदा थोड़ा ही करनी हमें, इन्हें वोट दे गए गठबंधन को। 2013 दंगों की बात, हाँ दंगों की बात कर रहे हैं मारे जी तो पूछ के देखो हम क्यों कर परेशान थे, छत पे बैठ बैठ के हमने रात कट्टी। पहले की सरकार में खौफ था? खौफ नहीं, उसमें तो जान बचानी भारी थी, जान बचानी भारी। ऐसा क्या हो जाता है भाई? अजी भाई साहब, एक भी रिश्तेदार हमारा यहाँ जी सही सलामत नहीं आया, किराया देकर उन्हें भेजना पड़ा, हमें किराया देकर भेजना पड़ा उन्हें। कोई सरकार में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इससे अच्छी सरकार दुनिया में कोई सरकार हो नहीं सकती। इससे पहले किसी मीडिया वाले से बात की आपने? नहीं करी अभी, पहले तो क्या आज सारा दर्द निकाल रहे हैं? सारा दर्द नहीं, गुस्सा आ रहा पूरा इस चीज के प्रति। ये इतना दर्द क्यों है भाई साहब अखिलेश को लेकर? अखिलेश को लेकर ये है, सुनो, अगर हमने कमाए खेत में अपने गन्ने गेरे जी 20,000 के, हमारा 12 की मोटर पार्ट ली 50,000 की, तो हमें तो 2 साल हमारे बिरान हो गए और घर से ब्याज भर रहे घर से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और हम मुजफ्फरनगर में हैं, जाटलैंड यहां पर बोला जाता है, और जाटलैंड में सभी को लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल की एक लहर है, और राष्ट्रीय लोकदल की उस लहर को लेकर अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है जयंत चौधरी के साथ। अब ये गाँव के लोग हैं, गाँव के किसान लोग हैं, और इनमें हो सकता है कि कुछ लोग मजदूरी करने वाले लोग भी हों और कुछ लोग किसानी करने वाले लोग हों, तो इनकी राय जानना भी उतनी जरूरी हो जाती है जितना शहर में कस्बों में लोगों की राय जानना जरूरी हो जाती है। आज हम इन गांव के लोगों से जानेंगे। कौन सा गांव है जी आपके? उमरपुर। ये उमरपुर गांव है मुजफ्फरनगर का। इन लोगों से जानेंगे ये लोग क्या सोचते हैं, इनकी राय क्या है, और अब की बार सत्ता में ये किसको देखना चाहते हैं, गठबंधन को देखना चाहते हैं या फिर से एक बार योगी सरकार को ये लोग देखना चाहते हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं माहौल क्या है। क्या नाम क्या है आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, पूरा नाम बताइए। डॉक्टर सतीश सैनी। सतीश सैनी जी, सैनी है? हाँ जी सैनी है। तो वोट गठबंधन को देंगे? नहीं, वोट तो हम योगी को देंगे क्योंकि योगी ने काम बहुत अच्छा करा है। एक तो गुंडागर्दी, सुनिए मेरी बात सुनिए, धर्म सिंह सैनी छोड़कर भाग गए। हाँ। ये कहकर अपने स्वार्थ में गए। सब मेरी बात पूरी नहीं सुन रहे हैं। ये कहकर कि पिछड़ों और दलितों को शोषित कर दिया इस सरकार ने, जो ये भाजपा की सरकार है, और आप छुटते ही बोले कि सतीश सैनी नाम बताया। हाँ, सतीश सैनी कह रहे योगी सरकार बढ़िया है। बढ़िया है, अरे उनकी थोड़ी बहुत तो उनकी लिहाज कीजिए जो छोड़कर भागे हैं। केवल अपना विकास करा, अपने सैनी समाज का कोई विकास नहीं करा। ये जो छोड़ के गए सोम प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, भी अपने स्वार्थ में करे, अपना विकास कर रहे, समाज का विकास नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ जी, समाज का विकास नहीं कर रहे, अपना विकास कर रहे। वो तो कह रहे सरकार ने शोषण कर दिया दलितों का। पिछड़ों 5 साल तक क्या करा उन्हें? 5 साल से क्यों नहीं गई? 5 साल तक क्यों मलाई चाटी उन्होंने? मलाई चाटी? हाँ मलाई चाटी। अब जब देखा कि थोड़ा सा गड़बड़, टिकट नहीं मिलेगा, टिकट कट जाएगा, लोग वोट नहीं देंगे, छोड़ के सभा में चले गए। वो बोले हम तो शुरुआत से बोलते रहे, हम तो पहले दिन से कहते रहे कि भैया, उसके बाद इन्होंने हमारी सुनी नहीं, अब टाइम आया तो चलिए, हमने सोचा अखिलेश यादव टाइम क्या आएगा, उसी समय पर इस्तीफा देते हैं जब भी आवाज़ उठाते कि पिछड़ों का विकास नहीं हो रहा, पिछड़ों का काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, शोषण हो रहा, उसी समय क्यों नहीं कहा था उन्होंने? आवाज़ तो जब उठाते हुए, अब 5 साल मलाई चाट, देखा समय बदल रहा है तो उधर चले गए, मलाई चाट कर भाग गए। भाग गए, अब की बार अखिलेश की गोद में चले गए हैं। अखिलेश की गोद में कह रहे अखिलेश की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और फिर देखेंगे बाबा जी। उनकी सोच है वो, उनकी सोच है जी। हाँ, क्या क्या जान सर, क्या है आप? बालेश सैनी। बालेश सैनी जी। अरे सैनी साहब, क्या कर रहे हैं आप भाजपा के साथ? आपके नेता भाग गए, छोड़ गए। हमें बिरादरी से कोई कनेक्शन नहीं, कनेक्शन है सिर्फ विकास से, और कनेक्शन है हमारा योगी सरकार से। हाँ विकास, विकास कर दिया पेट्रोल का, विकास कर दिया खाने के तेल का, अरे सुनिए मेरी बात, विकास कर दिया गैस सिलेंडर का, 400 से 900 का पहुँचा दिया, उसके बाद खाने का तेल 200 का पहुँचा दिया, बाइक में डालने वाला पेट्रोल 100 का पहुँचा दिया, ये हुआ है विकास। जो अभी पैदा हुआ नहीं, सुनो, जो 3 साल का जो बच्चा 10 साल का है, अब फिलहाल हर आदमी के नीचे मोटरसाइकिल है। अच्छा। क्यों है वो मोटरसाइकिल? अब सुनो, अब से पहले हर जो सब कहते हैं कि भुखमरी आ गई, कौन कह रहा है भुखमरी आ गई? एक घर में 5 आदमी है, 5 मोबाइल ले रहे हैं 20,000 के, 6
कहाँ से आए मैं फोन, वे 1.5 लाख के फोन कहाँ था लाए, बताओ कहाँ था वो फोन। अब सुनो, अब अगर हमें हरिद्वार जाना, हमें पूरा दिन लगता था सुबह से लेकर सांझ तक, अब हम 2 घंटे में 4 घंटे में लौट फिर वापसी, अब बताओ कहाँ है रोड। अरे कहाँ से है ये, हर आदमी को राशन मिल रहा। सुनो, किसी इस सरकार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग किसी तरीके से, मतलब जो है विपक्ष को अलग दिया राशन दिया या किसी को नहीं दिया राशन, इसने सबको राशन दिया, सबको बराबर हर चीज बराबर दी है, एक पलटे में तोला है। रही लूट की बात, अगर हम खेत से आ रहे कोई खतरा नहीं है, चाहे मौत आ जाए पर खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, चाहे मौत आ जाए खौफ नहीं है। पहले की सरकार में खौफ था, खौफ नहीं, उसमें तो जान बचानी भारी थी, जान बचानी भारी। ऐसा क्या हो जाता है भाई? अजी भाई साहब, एक भी रिश्तेदार हमारा यहाँ जी सही सलामत नहीं आया, किराया देकर उन्हें भेजना पड़ा, हमें किराया देकर भेजना पड़ा उन्हें। कोई सरकार में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो, इससे अच्छी सरकार दुनिया में कोई सरकार हो नहीं सकती। इससे पहले किसी मीडिया वाले से बात की आपने? नहीं करी अभी, सबसे पहले नहीं। आज सारा दर्द निकाल रहे हैं, सारा दर्द नहीं, गुस्सा आ रहा पूरा इस चीज के प्रति। ये इतना दर्द क्यों है भाई साहब अखिलेश को लेकर? अखिलेश को लेकर ये है, सुनो, अगर हमने कमाए खेत में अपने गन्ने गेरे जी 20,000 के, हमारा 12 की मोटर पार्ट ली 50,000 की। अच्छा। तो हमें तो 2 साल हमारे बिरान हो गए और घर से ब्याज भर रहे, घर से जो घर से नहीं भर रहे हम ब्याज, तो अब खुश हैं। अगर हम 10,000 के गन्ने गेर रहे तो 10,000 अपने घर में लेकर आ रहे, 10,000 के डाल रहे तो 10 लेके आ रहे, अरे कहाँ लेके आ रहे, 15 महीने पेमेंट नहीं हो पा रही। पेमेंट कौन कह रहा पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट सिर्फ उनका नहीं हो रहा जो विपक्ष है, विपक्ष का पेमेंट नहीं हो रहा जो गन्ने नहीं डाले। जब हमने गन्ना ही नहीं डाला तो पेमेंट कहाँ से मिलेगा बताओ, वही कह रहे हैं पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला। अरे पेमेंट तो सबको मिल रहा, जो गन्ना गिरेगा तो पेमेंट मिलेगा, नहीं कहाँ से मिलेगा। आपके तो पड़ोसी हैं टिकैत साहब जी, हमें टिकैत का क्या लेना, टिकैत को अभी समझा देंगे 10 मिनट में, अब क्या इलेक्शन में, अब के बार इलेक्शन में समझा देंगे टिकट क्या चीज है और हम क्या चीज है। पिछली बार भी जाटो ने किसी ने वोट नहीं दी, हमने दी। अरे क्यों नहीं दी, झूठ बोल रहे हैं भाई, नहीं दी। अरे क्यों नहीं दी, नहीं दी 10, अगर 100 पर सुनो, बता किसने दी थी जाटो को, किसने दी थी? सिर्फ 20% वोट करी बीजेपी को, अब लो सब वोट जाए अदर दे रही। 80% तो हमारी तो है, आपकी है, हमारी है 80%। और हम अब के बिनु कह रहे जाट अब का भलगी ज्यादा देगा, पहले से भी वोट पहले से ज्यादा देगा जाट अब का वोट, देगी उन्हें पता है मजबूरी है उनकी, देनी पड़ेगी, सुरक्षित है वे भी, ये ऊपर से बोल रहे हैं हम सुरक्षित नहीं है, गुंडा कर दिया नहीं, दिल में भाजपा है उनके, जाटो के दिल में भाजपा नहीं सकते, वे दाब खा रहे, वे दाब खा रहे हैं इस वजह से कि हम खुलंचन नहीं कह सकते, वे क्यों नहीं कह सकते, वे जयंत चौधरी की वजह से नहीं कह सकते। और हम वे किसी की कोई दुनिया में कोई दाब नहीं है, सर कट सके लेकिन वोट जाएगी भाजपा, सर कटा लेंगे, सर कटा लेंगे लेकिन वोट देंगे भाजपा को, वोट भाजपा को देंगे खुलंचन। क्या भेज रखा है योगी जी ने आपके लिए? हमारे लिए, अब सुनो, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज, हमारे बच्चे कहीं भी स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें दौलत की जरूरत नहीं है, दौलत मारते ले जा सरकार, जयंत चौधरी मारते ले जा रुपए जितने उसे जरूरत है, की भूख लंडनी है यहाँ तो शौक आ रहा है पैदा जी, हमें चाहे सुरक्षा, और वही हमारा बच्चा सही सलामत हमारे घर मारा, 10 लाख रुपए नहीं, 1 अरब का 1 बच्चा है वो सुरक्षित अपने घर बना, कहीं से चल रहा घूम कर आ रहा वो घर आ रहा। चौधरी को पैसे देने की क्यों बात कर रहे हैं आप? वे कह रहे हैं ना, क्या नाम लग रहा है, इस बात को कह रहे हैं उनको, हम ही सब कुछ है, उनको हम ही वोट दे रहे हैं या वो दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, वे कहीं में वोट दे रहे, वे कहीं में वोट दे रहे, हम दे रहे वोट, हम बचपन से जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से वोट देते आ रहे, हमने इसे भी दी, जयंत चौधरी को भी दी थी पहले, पर उसने कुछ नहीं करवाया कभी, उससे पहले कुछ नहीं करवाया, इसके बाद अब जब हम भाजपा में आ गए
दो तीन साल से, दो तीन योजना से, पांच साल। अरे सुनिए भाई साहब, अब तो पूरा गुमार लिए बैठे दिल में, आज निकाल दिया सब, तो निकालते हैं। अब रोहित शर्मा फंस गया आपको, तो चलिए आज पूरा निकाल दे रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, अभी ये जो जयंत चौधरी अखिलेश के साथ चले गए, इसका ज्यादा दर्द है क्या? दर्द हमें सिर्फ इस चीज का है, ये गुंडों की सरकार में जा रहे हैं, हमें इस चीज का मतलब नहीं है। जितने टिकट दिए इसने सब गुंडों को ही दिए, सही सलामत आज हो रहे थे। मारे जी तो पूछ के देखो, सन 2013 में हम कोठों पे बैठ बैठ के हमने रात काटी, कभी कोई हमें मार ना जा, फिर वही स्थिति पैदा थोड़ा ही करनी हमें, इन्हें वोट दे गए गठबंधन को। 2013 दंगों की बात, हाँ दंगों की बात कर रहे हैं। मारे जी तो पूछ के देखो हम क्यों कर परेशान थे, छत पे बैठ बैठ के हमने रात काटी, पूरी पूरी रात हमने रखवाड़ करी अपने घर की, कभी कोई हमें मार ना जा। और अब हम हमें भाई नहीं, मेरी लड़की हरिद्वार पढ़ती है, और यहाँ से बेखो बेदू चला जा बेटे, केली जावे केली आवे, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। अरे वो प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की सुरक्षित नहीं है। लड़की है लड़ सकती है, लेकिन बीजेपी से लड़ सकती है, कांग्रेस से नहीं लड़ सकती। लड़की सुरक्षित है तो बीजेपी में है, नहीं और किसी सरकार में है ही नहीं, और किसी सरकार में है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ क्या कह रहे जी, बेटी सुरक्षित का तो भरोसा मुलायम को भी नहीं रहा, उसने भी अपना यादव बीजेपी में सौंप दी कि ये कि मुलायम की सरकार में लड़कों से गलती हो जाती है, बीजेपी सरकार में नहीं होती गलती, इसीलिए भेजी उसने। और मैं सुरेश वर्मा हूँ, एक व्यापारी हूँ, दूसरे दिन तीसरे दिन मुजफ्फरनगर से मेरा रूटीन आना जाना रहता है, और मैं जो हूँ बेखौफ आता हूँ, बेखौफ जाता हूँ। हमारा रोड सेट के गांव है, इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं विकास के तौर पे, गुंडागर्दी खत्म के तौर पे। मेरा जो है रिश्तेदारी गांव जो है टू जेड बीजेपी को सपोर्ट करता है, योगी को। अरे आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेश शर्मा है। शर्मा जी, अरे खींचातान चल रही है, अखिलेश कह रहे आइए इधर, योगी कह रहे आइए इधर जी। सबसे ज्यादा ध्यान ब्राह्मणों पे है अब की बार, कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण जी? पहली बार तो मैं जो है अपने गांव उमरपुर की ओर से मीडिया प्रभारी व जो गणमान्य व्यक्ति बाहर से आए हैं उनका स्वागत सत्कार करता हूं। धन्यवाद। अब शर्मा जी मुद्दे पे आ जाइए। जी जी जी। और अखिलेश ने बड़े बड़े फरसे लगवा दिए, कह रहे परशुराम मंदिर बनाएंगे जी जी और ब्राह्मण हमारे साथ आएंगे जी जी। तो शर्मा जी बताइए माहौल क्या है? माहौल तो देखिए, जो मोदी योगी सरकार वादे कर रही है और करती आ रही है, अपने वादों पर पूरी तरह से खरी उतर रही है, आज तक कोई भी इनसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मेन बात ये है, जो हम ये छोटी छोटी बात गांव के विकास की, इस पे अब चर्चा हम नहीं करेंगे, हमें जो बड़ी जो चर्चाएं हैं, धारा 370 है वो हटा दी है, मंदिर का मुद्दा था, खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ नहीं ऐसा हुआ है, और सबका साथ सबका विकास में शिक्षा पद्धति के बारे में देख लो आप लोग जो है वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन भी पढ़ाई करवाई है। अरे कहा 370 पे अटक गए शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में क्या काम 370 का जी? मंदिर से क्या खाने को मिलेगा? केजरीवाल कह रहे हॉस्पिटल बना देते जी जी जी, वहाँ पे लाइब्रेरी खोल देते। अब ये देख लो कि आप जो है उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि बेरोजगारी इतनी फैला दी, योगी जी ने कितनी जो है भर्ती शिक्षा मित्रों को भी आश्वासन दिया, और जो है और को भी जो है उन्होंने जो है नौकरी दी है, और आगे भी उन्होंने जो है अपनी प्रगति के जो है बहुत ही स्रोत निकाले हैं। और ये देखो आप मीडिया साहब, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे आप खड़े हो, मोमडन बाहुल्य का गांव है, मोमडन बाहुल्य से आपकी बात हो रही है, मैं आपको क्या कह रहे हैं। और मिश्रा जी जो हमारे जो हैं बहुजन से जो हैं, मायावती बहन जी जो हैं, हैं मैं खुद जो है सीएम क्या नाम उप मुख्य मंत्री के दावेदार होने की उम्मीद की जा रही है उनसे, तो सारी जो है हमारी मायावती बहन जी भी हमारी तरफ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि विकास और सच्चाई है,
इसी सच्चाई है। हाँ, ये दो अरे ठोक दे रहे ब्राह्मणों को, विकास दुबे ठोक दिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो देखो अपना थोड़ा जो है जिसका है अपना लालच की वजह से इधर उधर भागता है, पर जो है ब्राह्मणों का पूरा जो है सम्मान करती है, ऐसी बात नहीं है। गाड़ी पलटा दे रहे ब्राह्मणों की। नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं ऐसा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं है। अखिलेश से इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? अखिलेश क्या नाम, जब विकास के कार्य में ढिल्ले रहे, बहुत ही जो है अपना हित चाहते हैं उनकी, खुद क्या नाम जब भाभी जी उधर पहुंच गए, आपने देख लिया है भाभी जी पे ध्यान है? हाँ जी पूरा ध्यान है उनका। तो हमें तो यही है जी, हम तो अपना क्या नाम जब पूरे देश को लेकर चलेंगे, कोई एक आदमी को लेकर चलने के नहीं। शर्मा जी की नजर और नियत भाभी जी पे ज्यादा है। हाँ भाभी, अब तो दुरानी और जेठानी का है जी इलेक्शन, और आपकी नजर? हमारी नजर योगी जी पे है जी। अब घर में वीडियो चलेगा तो मामला खराब हो सकता है रात को। नहीं ऐसा नहीं शर्मा जी, मतलब आप देख रहे हैं कि आप घूम भी रहे हैं, क्या आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अब जो आप भाभी जी पे नजर गड़ाए हैं, पता लगे जो घर वाली भाभी जी हैं जी, अब वो लपेटे में ना ले ले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं श्रीमान जी, जो है जो सच्चाई है देखो, वो सच्चाई है, वो सच्चाई है, नजर रखिएगा। एक मिनट, क्या नाम क्या है जी? ब्रह्म सिंह, डॉक्टर ब्रह्म सिंह। ब्रह्म सिंह, क्या लग रहा माहौल क्या है जी? माहौल तो बहुत बढ़िया है। किसका है? योगी है। अरे योगी क्या करेंगे भाई साहब, अखिलेश कह रहे मठ में जाएंगे बाबा। यही जाएंगे मठ में। कौन जाएंगे मठ में? ये जाएंगे, एक है नाम अखिलेश। अरे वो क्यों जाएंगे, तो महल में रहते हैं, वहाँ पर रहते मठ में, तो वहाँ महल में क्यों जाएंगे? मैं जब हम जो है योगी को वोट देंगे खूब अच्छी तरह, हम तो बुढ़े हो गए यार, योगी और मोदी को। अच्छा ऐसा क्या लग रहा है योगी में? हैं योगी होगा और मोदी भी होगा, योगी मोदी होगा दोनों। बार इन्हें नंगे करके भेजे वहाँ डिंडावली में, डॉक्टर साहब दूसरे गांव से आए हमारे यहाँ से, अब इनको डर तो नहीं कुछ? नंगे करके भी? हाँ जी, कपड़े उतार के। सुनिए, नंगे करके मतलब समझ नहीं आया। हाँ जी, रास्ते में चोर बदमाश मिले थे, इन्हें दो तीन बार कपड़े उतार लिए, इनके बैग थैले मोटरसाइकिल भी छीन ली, बैग थैले सब छीन लिए। हाँ जी, युवा क्या कह रहे हैं भाई साहब? युवा तो योगी के साथ है जी, योगी के साथ, योगी की। अरे रोजगार नहीं, महंगाई है, उसके बाद भी योगी दिख रहे हैं। अजी योगी योगी है बस, और कुछ है ही नहीं, योगी 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 है। जाटलैंड है भाई साहब, जयंत चौधरी का ज्यादा है यहाँ पर। होन दो कुछ, होन दो, यहाँ तो योगी है बस, योगी योगी है, आगे पीछे सब। तो गठबंधन का हिसाब नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं है जी, खत्म है बिल्कुल। सब जाट जाट कह रहे हैं भाई, जाटों की वोट ले लो, ब्राह्मणों की वोट ले लो। जाट 2% यूपी में, साक्य मौर्य कुछवा सैनी, हम है यहाँ 14%। तो हमारी कोली भरनी चाहिए नहीं ना, और भर रहे जाटों की। जाट ने ना पहले वोट दी इतनी बीजेपी को, ना अब देने का 20-30% ही पहले दी थी, अब का और 1-2% सिकर दे देगा, भले ही वो कह रहा हो हम देने नहीं। मौर्य तो भाग गए सैनी, भाग गए धर्म सिंह सैनी, धर्म सिंह सैनी, मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य तो जो है मलाई चट्टा उधर नु दिख रहा, कहना तेरा कुछ नहीं, और है भी उसका कुछ नहीं, सारा उसका एरिया जो है वहाँ जाकर देखो आप, उधर सब जाए विरोध में उसके, उधर पर्चा नहीं मिला था ना वो बने था। एक ही नाम है यो, स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म सिंह सैनी, यो कहीं शानन ने दो ही सैनी पैदा करे थे क्या? ये सबके ठेकेदार हैं क्या? मैं डॉक्टर नरेश सैनी उमरपुर से, सैनी है। हाँ नरेश सैनी, अगर धर्म सिंह सैनी या स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी कोई खबर लेने नहीं आते, जब इनका बिकने का नंबर आवे दूसरी यहाँ भाग जाए टिकट की वजह से, भाई सुख शांति है देश में, और पहली बार ऐसी सरकार देखी जिसने पूरी सुख शांति दी, अमन चैन है, खाने को बल के फ्री दे रही जनता को, बिजली पूरी आ रही, विकास पूरा हो रहा, सड़क ऐसी ऐसी बना दी। भाई जो गुंडा है उसे तो है परेशानी, और जो सही करने खाने वाला उसे कोई परेशानी नहीं। मोदी योगी जिंदाबाद, और भगवान है मोदी और योगी, भगवान रूप में भगवान है। हेलो भाई, बहन बेटी इतनी सुरक्षित है, आज तक कभी इतनी सुरक्षित नहीं देखी हमने, देखा बेटियों के साथ में बहुत बुरे बुरे हाल होते, और सरकार उनका पक्ष लेती। आज बेटे के साथ में हुई, आज कोई भी, आज एक दूसरे से आदमी कोई भी छेड़ करता हो बचे, कोई बक्सन जा, कानून सबके लिए बराबर है, कोई बक्सा नहीं जा, कोई बक्सन जाएगा सबके लिए बराबर है। चलिए भगवान बता रहे हैं, इसी चीज के लिए हम खुश है सरकार से। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। क्या नाम है? मोनू जैन जी, उमर जैन साहब। क्या लग रहा माहौल क्या है? माहौल ऐसा है जी, अगर औरतों को रांड बिठानी हो तो अखिलेश को ले आओ।
अरे योगी जीतेगा पूरा 100% योगी जीतेगा। नहीं ये लाइन क्यों कही आपने? यो लाइन यू कही क्योंकि रास्ते में चोरी होती थी, मतलब अपन कर लेते बनियो के अपन ज्यादा कर लेते, अगर डांट बिठानी और तो अगले आ जाएगा। अरे ऐसे मत बोलिए भाई साहब, जब ऐसे ही होता था हमने देखा ना अखिलेश के मुलायम सिंह के राज में ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था। कह रहे हमारी सरकार बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया होती तो दोबारा ना आती। अब योगी जी दोबारा आएंगे तो ये कैसे आएंगे, जब अच्छी सरकार है जब दोबारा आएंगे ये। अब दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे पक्की। कौन कौन कह रहे योगी जी दोबारा आएंगे? सारे कह रहे योगी जी दोबारा आएंगे, योगी जी दोबारा। हाँ जी ये नहीं हटा जी, ये तो अब जो थोड़ा बहुत काम रह रहा उसे भी पूरा करते हैं। क्या रह रहा थोड़ा बहुत जो गुंडे गंडे रह रहे उन्हें सफाया उनका गुंडे गंडे रह रहे जो। हाँ जी जो उनका थोड़ा बहुत 1-2% रहा उनका भी सफाया हो जाएगा। अब दोबारा सरकार आएगी तो उनको सरकार 100% आएगी। योगी जी का 600 रुपए में जोड़ा बन जा, वो सारा हमें दे रहा क्या सर? आपको दे रहा है सर, हमें ही दे रहा जी। चलिएगा ये देखिएगा उमरपुर, कौन सा उमरपुर गांव बताया था ये देखिए। अच्छा क्या नाम भाई साहब? गोयल साहब। क्या हाल है लाला जी? बढ़िया लाला जी, क्या चल रहा है मामला? मामला अच्छा चल रहा है, योगी जी सरकार आएगी, योगी की सरकार आएगी। आएगी कैसे? कहते व्यापारी तंग है, GST इतने लगा दिए, सब तंग नहीं है, सब गुंडे बदमाश जो है हमें तंग है, गुंडे बदमाश तंग है, और नहीं तंग है, और कोई तंग नहीं है। मामला सही है? सही है, बढ़िया है। तो आ जाएंगे? हमारा वोट राष्ट्रहित के लिए समर्पित है, राष्ट्रहित के लिए। चलिए गोयल साहब का वोट राष्ट्रहित के लिए समर्पित है। और ये उमरपुर गाँव में हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, आपने तमाम लोगों को यहाँ पर देख लिया है, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। आप भी क्या कह रहे हैं भाई साहब? बता दे। योगी योगी स्कूल में पढ़ रहे होंगे और कह रहे हैं योगी सरकार। योगी 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 योगी। ये देखिए योगी 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 यहाँ पर हो गया। ये मुजफ्फरनगर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां पर एक बार आजम खान के कहने भर से हिंदू बच्चों को चुन चुन कर उठा लिया गया था, और आज इस मुजफ्फरनगर में जय श्री राम और योगी मोदी के नारे खुलेआम लग रहे हैं, बिना डर के लोग आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहां पर खुशहाली से हो रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद जी।